हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग अपना वीडियो बना रहे हैं भाई, बीच में कोई काम हो गया था। तो आज रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले का ये वीडियो आप देख रहे हैं ना। कल तो ज़्यादा भीड़ होने वाली नहीं है मार्केट में, लेकिन आज गैदरिंग काफ़ी अच्छी है। और कल भी भाई बहुत अच्छी भीड़ थी मार्केट के अंदर। ये पूरा आगे देखिए, सब्जी मंडी वाला मार्केट है पूरा आगे तक, और फुल इसमें गैदरिंग है आज, काफ़ी बढ़िया है। और आज से ठीक 3 दिन पहले आपको पता है पिलानी में लगभग 8-10 दिन तक कंटिन्यू बारिश हुई थी। ये देखिए सामने आगे रुंगटा जी की दुकान है, हमारा कॉम्प्लेक्स भी आगे जाके इधर। और ये देखिए पूरा नेली चौक की तरफ जाने वाला रास्ता, इधर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई, एकदम से बढ़िया वाली। और फिलहाल देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे भी काफ़ी बढ़िया भीड़ है। और त्यौहार के ऊपर तो यार भीड़ होगी होगी ना, अभी वैसे ही 3-4 दिन ऑफ रहा है। और ये देखिए बच्चों के कपड़े इन्होंने अंदर दुकानों पे ही बेचते हैं, लेकिन अभी त्यौहार पे इन्होंने बाहर लगा लिया। हाय हेलो। तो भाई ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हर दुकान पे कस्टमर है भाई, इस फिलहाल त्यौहार पे तो हर दुकान पे कस्टमर है भाई, जितने भी हमारे। ये राजपूती मार्केट है आगे तक, और इन्होंने भी आगे देखे दुकान के बाहर पूरे दुकानें लगा रखी छोटी छोटी, तो काफ़ी बढ़िया भीड़ है आज के दिन। और भाई प्लीज़ जितने भी नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, भाई को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अंकल जी मुझे देख के शर्मा रहे हैं, कैमरे में आ रहा हूँ मैं। और ये देखिए भाई, ये कॉस्मेटिक की जो दुकान है इन पर भी काफ़ी अच्छी भीड़ है भाई, इन्होंने बाहर भी दुकान लगा रखी है। हाय गोलू। तो भाई देखिए इन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और कॉस्मेटिक की दुकानों पर तो वैसे ही भीड़ होने वाली है, चूड़ियों की दुकानों पर इन पर स्पेशली भीड़ होने वाली है। रक्षाबंधन पर मेन यही 2-3 चीज़ें तो स्पेशली सबसे ज़्यादा बिकती है। और वापस देखिए सब्जी मंडी की तरफ भी आगे तक तो बहुत भीड़ है भाई, हम और आगे चलते हैं इधर नेली चौक की तरफ। तो ये फिलहाल आगे देखिए कॉपी किताबों की दुकान आती है, नेली चौक में एंट्री करते हैं तो आगे मंगतू जी की दुकान है, उस तरफ का पूरा एरिया है। और यहाँ पे भी देखिए ये आगे जूते चप्पलों वाली दुकान है भाई, भीड़ तो हर जगह है। तो हम फिलहाल यहाँ से वापस एंट्री करते हैं, ये आगे मंगलसूत्र वगैरह जो पोते हैं ना नेली चौक में, वो जगह है यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती रहती है। इन दुकानों पे स्पेशली मंगलसूत्र आज के दिन सब लोग औरतें मंगलसूत्र खुलवाते ना गले में, भाई सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो भाई जितने व्यूअर्स हैं ना जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, और हमारा वीडियो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। हम वापस चल रहे हैं आगे, और आगे चल के हम आपको अपना कॉम्प्लेक्स भी दिखाएंगे। देखिए तो ये यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी है, और चलते हैं वापस आगे भाई। बाज़ार के अंदर है ना गाड़ियाँ लानी थोड़ी दिक्कत वाली जगह है, त्यौहार के दिन मतलब गाड़ियाँ यहाँ आएंगी तो लोगों को जगह नहीं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो हम आगे चलते हैं पहले, और ये सब्जी मंडी की तरफ आगे चलते हैं। इधर नहीं चलेंगे भाई, इधर ये पानी पूड़ी वाली स्टॉल है, इधर अपना कॉम्प्लेक्स है, तो अपने कॉम्प्लेक्स में चलते हैं पहले और आपको दिखाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में। ये बाहर दुकानें लगी हैं छोटी छोटी, इन पे भी आज तो काफ़ी भीड़ है भाई। और ये कपिल भाई के खिलौनों की दुकान, इनको काफ़ी बार दिखा दिया हमने अपने वीडियो में। और ये है रुंगटा जी की दुकान, इसके ठीक सामने है देखिए हमारे आर्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर आपको एंट्री करते ही मेहंदी वाले भैया मिलेंगे, उनसे आप शादी ब्याह की बुकिंग करवा सकते हैं। और ये कन्या जी की दुकान है बच्चों के कपड़ों की, और ये सूटों की दुकान आगे, और ये मेहंदी बहुत अच्छी लगाते हैं, आप लोग इनसे मेहंदी लगवा सकते हैं, ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। और सामने देखिए हमारी शॉप है, और जूतों के भी इसमें नई दुकान खुली है, बहुत बढ़िया जूतों की दुकान खुली है, लेडी चप्पलों की स्पेशली है ये। और भाई प्लीज़ जितने भी व्यूअर्स हैं आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।